नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme C53 मोबाइल में आप किस तरीके से यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो, यानी कि आपका जो फिंगरप्रिंट दिया गया है उसको कैसे आप सेट कर सकते हो। चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग में जाना होगा। तो चलिए यहाँ पर सेटिंग में चले जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिला है फिंगरप्रिंट, तो आपको सिंपली फिंगरप्रिंट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों, यहाँ पर एग्री करना है और एग्री करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिक अल्फामेरिक पैटर्न किसी एक पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर मैं पैटर्न पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको क्या करना है कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे इस तरीके से पैटर्न डालने के लिए बोलेगा, तो एक पैटर्न आप डाल लीजिए जो भी आप रखना चाहते हो। उसके बाद फिर से कन्फर्म कर दीजिए और कन्फर्म करने के बाद गाइस आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो आपके जो साइड बटन पर फिंगरप्रिंट दिया गया है इसको स्कैन करवा लेना है। तो यहाँ पर देखिए, बार बार आपको फिंगर को स्कैन करवाना है ताकि अच्छे तरीके से ये स्कैन हो जाए। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मैं स्कैन करवा रहा हूँ, इस तरीके से आपको भी करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो फिंगरप्रिंट स्कैन हो चुका है, उसके बाद डन करेंगे। डन करने के बाद दोस्तों, आपका जो फिंगरप्रिंट लॉक है वो लग चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए फिंगर से ही ओपन हो रहा है, फिंगर से ही ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो।